हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त विवेक सूरी। सो गाइस, यू आर वाचिंग बॉर्न क्रिएटर। मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आए कि यार, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी जब मैंने अपनी सुजुकी इंट्रूडर, जो मेरी सुजुकी इंट्रूडर थी, वो फाइनली अब गोल्डी भैया के पास वापस आ गई है एंड अब वो बिकने के लिए आ गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रहा है उस लिंक को जाके क्लिक कर लें और पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उससे रिलेशन में है और शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि यार हम यहाँ बात किस बारे में कर रहे हैं। या ऊपर ये जो कार्ड आ रहा है, आप इस कार्ड को क्लिक कर सकते हैं एंड पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए एंड देन फिर हम आपस में बात कर सकते हैं। सो गाइज, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार भैया, 6,000 किलोमीटर आपकी बाइक सारी चली हुई थी और उसके अंदर आपकी क्लच प्लेटें चेंज हो गई, वो कैसे? सो गाइज, मैं बहुत ही तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को हर चीज़ समझाऊंगा। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, आप लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी कि यार भैया, 6,000 किलोमीटर आपने जब बाइक बेची, ऑलमोस्ट 3,000, 3,500, 4,000 किलोमीटर थी और उस टाइम पे आपकी जो क्लच प्लेट थी वो ख़त्म हो गई, वो कैसे? तो लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि यार ये बाइक की तो क्लच प्लेट की प्रॉब्लम थी, ये ख़राब है, ये है, ये वो है। भाई, एक चीज़ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप उसको ठीक करा लेते हैं तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाती है। मेरी बाइक चली ही कुछ नहीं थी और मैंने जब ली थी तो मैंने जिससे एक्चुअल में ली थी बाइक को, तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि उसकी क्लच प्लेटों में प्रॉब्लम है। जब मेरे को गोल्डी भैया को पास मैं बाइक दिखाने गया और गोल्डी भैया को मैंने जब वो बाइक दिखाई, तब गोल्डी भैया ने चलाते ही एकदम बता दिया कि भैया, इसकी क्लच प्लेटों में दिक्कत है। सो क्लच प्लेट की दिक्कत आती क्यों है और किस वजह से आती है और आप उससे कैसे बच सकते हैं? सो गाइस, बहुत ही बेसिक सा रीज़न होता है क्लच प्लेट जाने का। आप मुझे अपनी ब्रांड न्यू बाइक लाएं, शोरूम से ब्रांड न्यू बाइक ला के दें, मैं 10 मिनट के अंदर उसकी सारी की सारी क्लच प्लेटें फूंक दूंगा और 10 मिनट के अंदर उसके टायर भी फूंक दूंगा। सो ये जो चीज़ें होती हैं वो चलाने वाले के हाथ में होती हैं कि वो कैसे चलाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। यूजुअली क्या होता है गाइज, ये हमारा क्लच है और हम क्लच को पूरा दबा के जब हम रखते हैं तो हमारी क्लच प्लेटों पर जोर नहीं आता, बट जब हमारा क्लच हल्का सा छूटा होता है और हल्का सा ही दबा होता है, जैसे सपोज हम बाइक चला रहे हैं और इस तरफ से हमारा क्लच हल्का सा हाथ के ऊपर है और हमने क्लच को हल्का सा दबा रखा है, तो वो क्लच प्लेटों पे जोर देता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी क्लच प्लेटें बहुत ही जल्दी फूक जाती हैं। यही सेम केस होता है गाड़ियों के साथ भी कि जब हम कार चला रहे होते हैं तो अगर हमारा पैर क्लच के साइड पे ना हो के साइड्स पे और हम क्लच के ऊपर ही पैर हल्का सा रखते हैं तो वो हल्का सा क्लच दबा रहता है। जब वो हल्का सा क्लच दबा रहेगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कि आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो फूकने के चांसेस 99% के हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी फूकते हैं। सो इस चीज़ को दिमाग में बिठाएं कि आपने कभी भी, चाहे आप बाइक चला रहे हो तो आपने क्लच को कभी भी हल्का सा दबा के नहीं रखना, आपने पूरा उसको छोड़ के रखना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने क्लच के ऊपर पैर नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ क्लच का काम सिर्फ और सिर्फ वो है कि आपको जब गियर चेंज करना है, गियर बढ़ाना है या गियर डाउन करना है, तो आप सिर्फ क्लच का यूज़ करेंगे। एंड गाइज, ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग बिना सोचे समझे ये चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ये है, ये तो वो है। यार उस चीज़ का आपको पता नहीं है तो प्लीज़ ऐसे मत बोला करिए एंड मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझाना। और आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, देखो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, यूजली सुपर बाइक्स के अंदर भी लोग क्या करते हैं, जैसे हायाबूसाज हो गई, कोई भी अच्छी इनलाइन फोर हो गई, लोग सड़क पर चलते चलते क्लच को पकड़ के रेव देते हैं ताकि आवाज आ सके और आगे वाला हट जाए। तो ये चीज को ध्यान रखें कि अगर आपने वो क्लच पूरा नहीं दबाया, पूरा क्लच नहीं दबा और हल्का सा भी क्लच, अगर हाफ क्लच या 3/4 क्लच आपका दबा हुआ है और बाकी का 1/4 अगर नहीं दबा हुआ, और अगर आप वहां से रेस देते हैं, जैसे ही आप रेस देंगे तो क्लच प्लेटों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा और जैसे ही वो क्लच प्लेटों पे जोर पड़ेगा तो जो उसके टीथ होते हैं वो सारे के सारे टीथ जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो आपस में रगड़ खाती है। तो यार ये चीज़ बड़ी ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि यार कभी भी आप ऐसा मत करें। और आप इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, क्लच का काम गाइस सिर्फ और सिर्फ गियर चेंज करने का है। आप जब भी गियर ऊपर लेके जाना चाहते हैं या गियर नीचे लेके जाना चाहते हैं, ओनली देन आप ये जो क्लच है उसको यूज करेंगे, दबाएंगे, और उसके अलावा आप क्लच का किसी भी टाइम पे काम नहीं करेंगे।
यूजुअली मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि यार बंदा मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे करते हैं कि यार सामने रेड लाइट आ गई है तो वो क्या करते हैं, क्लच दबा के गेयर्स को न्यूट्रल करने की कोशिश करते रहते हैं यार, न्यूट्रल हो भी जाता है तो वो क्लच दबा के ही रखते हैं। तो यार वो क्लच का जब कोई काम ही नहीं है तो उस क्लच को क्यों दबा रहे हो? मेरा सिंपल सा पूछने का मकसद यही है कि यार उस क्लच को ऐसे मत दबाया करिए, उसका कोई भी रोल नहीं है। एंड गाइस लोग पूछते हैं कि यार 6,000 किलोमीटर पे टायर कैसे चेंज कर दिया, या इतने जल्दी तो टायर चेंज होते नहीं। गाइज यूजुअली सुपर बाइक्स के जो टायर्स होते हैं वो 13, 14, 15 हज़ार मैक्सिमम तक बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। यूजुअली सुपर बाइक्स वाले शो ऑफ ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड बर्नआउट्स वगैरह कर लेते हैं, टायर्स उस वजह से भी ख़त्म हो जाता है। एंड गोल्डी भैया का एक सीन है गाइज कि गोल्डी भैया का क्या सीन है, आप लोगों ने बाइक खरीदने गोल्डी भैया से आनी है तो वो नहीं चाहते कि आप लोग जब बाइक लेके जाएं तो टायर ना एक एक तरीके से हार्ट है बाइक का, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो टायर की वजह से ही आपकी बाइक ने बैलेंस करना है और ग्रिप बना के रखनी है। तो गोल्डी भैया का सिंपल सा फंडा ये है कि यार अगर आप चल रहे हैं तो आपका जो टायर है वो सही रहना चाहिए कि बाइक को कोई प्रॉब्लम ना हो और मेन चीज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो क्या करते हैं, अगर बाइक हमारे पास आती है, कोई हमें बाइक बेच के जाता है और सपोज उसके अंदर 50% टायर बचा हुआ है या सपोज 40% टायर बचा हुआ है, 50 से ज़्यादा होता है तो हम नहीं छेड़ते, बट अगर 50 से थोड़ा सा कम है या सपोज 30 रह गया, 20 रह गया या 40 तक रह गया, 45 तक रह गया, तो गोल्डी भैया टायर चेंज करके दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो एंड वो ये भी नहीं चाहते कि आप लोग किसी मुसीबत में आए और आपके दिमाग में आए कि यार मैंने पुरानी बाइक गोल्डी भैया से खरीदी और देखो मैं गिर गया या कुछ हो गया। सो उनका सिंपल सा फंडा है कि वो टायर्स पूरे के पूरे नए करके देते हैं, बिल्कुल नया टायर लगा के देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सो गाइज आई होप कि मैंने आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर कर दिए हों। मेरी तरफ से जितना हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर चीज़ सेंसिबली और तरीके से पता चल सके। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.